बेस 10 पे होती है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग खतरनाक कैलकुलेशंस को कैसे इजी कर सकते हैं या कितनी इजी तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लॉग के बारे में पूरी तरह समझ जाएंगे। कितना भी टफ कैलकुलेशन हो, आप बहुत जल्दी और इजी वे में उसको निकाल सकेंगे। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। अभी जो हम लोग लॉग का यूज़ करने वाले हैं, वो लॉग बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं? हम लोग लॉग बेस 10 पे इसलिए यूज़ करते हैं कि जो मुश्किल कैलकुलेशंस हैं उसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकें और कैलकुलेशन हमारी इजी बन जाए। तो बेसिकली इसमें लॉग में बेस क्या होता है और किस तरीके से आता है, ये पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप देखें अगर कि अगर कोई नंबर लिखा है 10^2, दैट इज 100, वी नो दैट ये पावर के फॉर्म में है या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। तो अब अगर लॉग में लिखना होगा तो हम लॉग, अब इसकी जो ये नंबर रहता है ये बेस में चला जाता है, इसकी हम लोग वैल्यू निकालते हैं 100 और आंसर आता है 2। तो ये लॉग के फॉर्म में लिखने का तरीका है और ऊपर वाला पावर के फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो ये इम्पोर्टेंस क्या है कि इस बेस की बात मैं करना चाह रहा था। ये बेस जो टेबल्स हमारे पास मौजूद होती हैं वो सारी बेस 10 पे होती हैं। बाकी बेस आप बदल सकते हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए बेस 10 की ही बात करेंगे। एक और लॉग बड़ा फेमस है जिसका हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, बेस ई पर। इसे हम लोग, अगर कोई नंबर है जिसपे हम लोग बेस ई पे ले रहे हैं, तो इसे हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग, और उसको शॉर्ट में हम लोग एलएन से शो करते हैं। तो कहीं पे भी अगर एलएन लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि इसका बेस अपना ई है नंबर का। तो लॉग लेने का ये तरीका है। एक और बात आप देख सकते हैं कि हमेशा जब भी हम पावर रेस करते हैं किसी भी वैल्यू की, तो ये नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर ये नंबर कभी निगेटिव नहीं आ सकता तो इसका मतलब क्या है कि निगेटिव का लॉग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये भी हमें मालूम है कि कभी भी निगेटिव नंबर का हम निगेटिव नंबर का लॉग वी कांट सी, वी कैन नॉट कैलकुलेट। क्यों? ये ऊपर बात थोड़ी की गई है। अब बात इसके आगे लेके चलते हैं कि अगर हम किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं और मान लीजिए कोई वैल्यू, कोई आंसर हमारे सामने आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि हमने लॉग लिया और ये लॉग लेते हैं हम 594.6 का सपोज, तो हमारी ये वैल्यू आती है 2.7742। तो ये जो आंसर आया है इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो पहला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी इस पार्ट को जो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है आफ्टर डेसिमल, इसे बोलते हैं मेंटिसा। ये देखिए नोट्स के तौर पे हमने यहाँ पर इसको मेंशन भी किया है, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। द इंटीग्रल पार्ट इज नोन एज ए कैरेक्टरिस्टिक एंड द डेसिमल पार्ट इज नोन एज ए मेंटिसा। अब ये जो मेंटिसा होता है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है लॉग टेबल से। इस लॉग टेबल को कैसे हमें देखना है ये भी हम सीखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी मिल सकती है अपने को और नेगेटिव, बोथ हो सकती है, लेकिन मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो ये तो बात होगी इसकी जानकारी की। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये कैरेक्टरिस्टिक है और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो पॉइंट आता है, इसको दो सेगमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला केस बनाते हैं जब वैल्यू हमारी एक से बड़ी होती है, ग्रेटर देन वन, और दूसरा केस बनाते हैं जब हमारी वैल्यू लेस देन वन होती है। तो ग्रेटर देन वन के लिए देखिए पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, फॉर नंबर विच इज ग्रेटर देन वन, ये जो नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हैं उस नंबर की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये नंबर, इस नंबर, ये नंबर अगर एक से बड़ा है तो क्या होने वाला है? तो होने ये वाला है कि डेसिमल से पहले जितनी डिजिट्स हैं, डेसिमल से पहले, जैसे यहाँ पर डेसिमल से पहले ये 1, 2, 3 डिजिट्स हैं देखिए, तो इन तीन डिजिट में से एक डिजिट माइनस कर देते हैं तो बची दो, और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर। लेकिन शर्त क्या है? वो नंबर एक से बड़ा होना चाहिए, जो कि इस केस में है, ये एक से बड़ा है। अगर
कोई नंबर एक से छोटा है, देखिए केस नंबर टू इसकी हम बात करें, इस केस में जब फॉर एनी नंबर विच इज लेस देन वन देन कैरेक्टरिस्टिक इज निगेटिव, ये कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव होती है और न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है, न्यूमेरिकली डेसिमल के बाद जितने जीरो आ रहे हैं उससे एक ज्यादा, ऊपर वाले में कम कर बात कर रहे थे इसमें ज्यादा की बात कर रहे हैं। अब देखिए डेसिमल के बाद कोई जीरो नहीं आया तो एक ज्यादा यानी एक हो गया, तो ये माइनस वन वैल्यू आ गई, देखिए माइनस वन या वन बार लिख दिया। अब इसमें डेसिमल के बाद एक जीरो आ रहा है, देखिए तो एक जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक और जोड़ दीजिए टू हो गया, और इसमें दो जीरो आ रहे हैं तो एक और जोड़ दिया तीन हो गया। तो ये दो केसेस बन जाते हैं। पहले केस में हमें क्या करना है, डेसिमल से पहले जितने नंबर उसमें एक घटाना है, डेसिमल से पहले जितने नंबर उसमें एक घटाना है, और सेकंड वाले केस में हमें डेसिमल के बाद जितने जीरो हैं उसमें एक जोड़ना है। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड कर लेते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक जब फाइंड कर लेंगे तो अब बचता है हमारा मेंटिसा वाला पार्ट। तो मेंटिसा को देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लॉग टेबल। तो अब हम देखेंगे कि लॉग टेबल जो हम यूज करेंगे वो किस तरह की होती है और कैसे मेंटिसा हम उसमें फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं लॉग टेबल के ऊपर। ये देखिए ये लॉग टेबल हमारे सामने है और इसके तीन पार्ट हैं लॉग टेबल में। पहला पार्ट तो ये है, ये दूसरा पार्ट यहां से लेके यहां तक हम बोलते हैं दूसरा पार्ट है, और ये मीन डिफरेंस के लिए यहां से यहां तक का थर्ड पार्ट है। दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, एंड दिस वन एरो इज फर्स्ट पार्ट। ये तीन पार्ट में लॉगरिथमिक टेबल्स हमें दी जाती हैं। अब इसमें मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, तो हम पहले ही सवाल की बात करते हैं जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी, एग्जांपल लिया था, ये हमारी वैल्यू थी 594.6, इसको लेके चलते हैं और लॉग निकालते हैं इसका। तो हमें वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 5 log 594.6। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने में डेसिमल से एक से बड़ा नंबर है, डेसिमल से पहले तीन डिजिट थी तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, एक कम टू। अब लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद ये चार डिजिट नंबर है तो 59 को पकड़ेंगे पहले, और 59 को पहले पार्ट में ढूंढेंगे। जब ये पहले पार्ट में यहां देखिए 10 11 12 आ रहा है, ऐसे 59 कहीं हमको मिलेगा, जब 59 मिलेगा तो उसके सामने हम लोग फोर्थ वाले पार्ट को यानी फोर्थ पार्ट सेकंड पार्ट में खोजेंगे इसको। ये कहां, ये दोनों चीजें कहां खोजनी है, ये फर्स्ट पार्ट में खोजनी है, और ये कहां खोजनी है, ये पार्ट नंबर टू में खोजनी है, और ये जो चौथा है ये मिलेगा अपने को पार्ट नंबर थ्री से या मीन डिफरेंस से। अब क्योंकि जो टेबल मैंने यहाँ पे दिखा रखी है ये टेबल में लास्ट 50 से ऊपर तक के नंबर नहीं है, एक ही पेज मैंने कॉपी किया है जो आपके सामने है, तो मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिससे ये नंबर आपको शो करने में आसानी हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लॉग लेना है 123.4 का, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, तीन नंबर डिजिट्स हैं, एक से बड़ा नंबर है, तीन डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक इज टू। अब 12 का, ये देखिए ये पहले पार्ट में मिलेगा तो हमने 12 खोजा, ये कहाँ 12 मिलने वाला, ये मिला 12। अब इसके बाद पार्ट टू में हमें क्या देखना है, नंबर थ्री के नीचे वाला, थ्री पोर्शन किधर चला गया, ये देखिए थ्री पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, थ्री पोर्शन से सीधे हमने देखी वैल्यू और ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0899। इस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 0899। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए कि चौथा नंबर क्या है हमारे पास, चार नंबर, और चार नंबर का कैलकुलेशन कैसे आएगा, इसको हम पार्ट थ्री से देखते हैं। तो पार्ट थ्री से देखने में चार के नीचे हम वैल्यू देखते हैं और ये वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 14। तो 14 हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखिए इसमें 14 हमने ऐड कर दिया, तो 9 4 13 का 3 1 10 11 का 1 1 9 0, ये हमें मेंटिसा मिल गया, और डेसिमल के बाद मेंटिसा आता है तो 0913, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो लॉग देखने का ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप लॉग देख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब बाय द वे आपको लॉग लेना है और लॉग के लिए हमारे पास तीन डिजिट्स अवेलेबल हैं, 1 2 3, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब हम क्या करेंगे, पहले वाले तो दो नंबर का पहले पार्ट से देखेंगे सिचुएशन क्या नंबर्स मिलता है,
इसके लिए दूसरे पार्ट से देखेंगे। अब तीसरा पार्ट है नहीं तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो 1, 2, 3 के लिए करेक्टरिस्टिक कितनी होगी इसकी, 3 नंबर हैं अभी, तो करेक्टरिस्टिक इज 2 12 का 3 पे हमने देखा, अभी हमने कैलकुलेट किया था 12 का, ये देखिए 3 पे आ गया 0899। तो इसकी वैल्यू जो बनी हमारे पास वो क्या बनी, 0899, ये इसका आंसर आ गया। अगर बाय द वे कहीं ऐसा हो कि आपको एक डिजिट का लॉग लेना पड़ जाए, 2 का भी लिख सकते हैं, 1 का भी, किसी का भी लॉग ले सकते हैं, कितना बड़ा नंबर हो, एक डिजिट में बाय द वे लॉग 2 लेना है जिसकी बेस 10 है, कुछ नहीं लिखा है आपके तौर पे, तो यहाँ कैलकुलेशन के लिए बेस 10 मानेंगे, तो लॉग 2 की वैल्यू लेनी है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं समझने के लिए, आप ऐसा कर सकते हैं बेस 10 और 2 के बाद आप 2 जीरो लगा दीजिए। तो 2 जीरो अगर आप लगा देते हैं तो अब क्या मतलब हो गया, इसकी करेक्टरिस्टिक 1 है, एक डिजिट है, 1 घटाई तो 0 बची। अब हम क्या करेंगे, इस 20 का 0 पर देख लेंगे, तो 20 का 0 पर देखिए, ये देखिए 3010 नंबर दिया हुआ है, ये देखिए 3010 ये नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है 3010, तो ये करेक्टरिस्टिक हो गई इसकी और वैल्यू हमने लिख दी 3010 एंड दैट इज द आंसर। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मली हम लोग याद भी रख लेते हैं, लॉग 2 के लिए 0.3010, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसको लॉग को देख सकते हैं। अभी जब लॉग लेने का प्रोसेस हम लोग सीख चुके हैं तो उसका एक रिवर्स प्रोसेस होता है एंटी लॉग। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लास्ट में जाके हमें एंटी लॉग भी लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू हमारे पास है 3.426 और इसका सपोज हम क्यूब रूट निकालने वाले हैं, तो ऐसे क्यूब रूट निकालना बड़ा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग का यूज़ करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो किसी x के बराबर है। नाउ वी आर टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये देखिए log हमने बेस 10 पे दोनों तरफ ले लिया। अब ये जब हम लोग log दोनों तरफ ले लेंगे, ये देखिए 3.26 की पावर 1/3, और log के रूल से ये 1/3 नीचे जाता है पावर, और ये log हमारा 3.426 वैल्यू हो जाती है। अब इसको कैलकुलेट करना लॉग देखना में आता है, हम सीख चुके हैं, उसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे। सपोज से फॉर एग्जांपल ये कुछ वैल्यू आती है, अपने मन से ही लिख देते हैं, मान लीजिए ऐसी वैल्यू आती है 2.129, ये वैल्यू आएगी नहीं, एग्जांपल के तौर पे लिखी हुई है, तो अब हमें ये वैल्यू किसके बराबर है, लॉग टू द बेस 10 एक्स के। तो एक्स कितना होगा, क्योंकि हमें फाइंड तो यहाँ पे एक्स करना था ना, तो एक्स के लिए वो वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग 2.129। अब ये जो वैल्यू आप फाइनली लिखेंगे यही हमारा आंसर होगा, यही हमारी वैल्यू होगी। तो ये एंटी लॉग निकालने का तरीका हमें देखना पड़ेगा। तो एंटी लॉग निकालने का तरीका बिल्कुल लॉग जैसा ही है, बस उसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाते हैं इसके लिए छोटा सा 2 रूल है, वो रूल हमें समझ लेने हैं। देखते हैं रूल क्या है। तो आप देखिए जो रूल बने हुए हैं बड़े सिंपल से हैं, ये देखिए पहला रूल यहाँ बना हुआ है, ये व्हेन द करेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव, जब करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो, आपको याद है करेक्टरिस्टिक क्या हुआ करती थी, पॉइंट से पहले वाला, लेट इट बी एन, तो डेसिमल पॉइंट क्या होगा, जितनी नंबर होंगे, डिजिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो वैल्यू होगी 1 है 2 है 3 जो वैल्यू है उसमें एक जोड़ के उतने डेसिमल पॉइंट, उतने के बाद डेसिमल लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इसी के 3 एग्जाम्पल नीचे दिए, तीनों एग्जाम्पल इसी को बिलोंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एंटी लॉग है, यहाँ पर इस समय हमने क्या लिया, ये 0 है, तो 0 में पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं तो ये नेगेटिव नहीं है, तो इसको उस तरह ट्रीट करेंगे, तो 0 में 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ दिया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 में हमने 1 जोड़ा, तो हमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। ये हमने एंटी लॉग टेबल से पूरी गिनती देख के निकाली, 2097 और 2 के बाद डेसिमल लगा दिया। सिमिलरली यहाँ 1 था, तो ये देखिए 1+1 सेकेंड डिजिट के बाद, तो ये यहाँ से गिना 1, 2 दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। यहाँ 3 था, 1 जोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4 के बाद लगाएंगे, इसलिए लगा ही नहीं, 4 डिजिट का नंबर था। इस तरीके से एंटी लॉग में डेसिमल लगाए जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है, ये देखिए पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे करेक्टरिस्टिक निगेटिव होती है, निगेटिव का मतलब है बार में लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा है, तो उस समय कहाँ पर हम पॉइंट को, डेसिमल को इंसर्ट करेंगे, तो हम ऐसा इंसर्शन करते हैं कि जहाँ से जितने बार लगे हुए हैं
उतने के बाद ही पहला सिग्निफिकेंट फिगर आए। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब जहां से वैल्यू स्टार्ट हो, गिनती स्टार्ट हो। हम बात कर लेते हैं नंबर 4 की यहां पर। ये देखिए ये वाला एग्जांपल इसका है, ये वाला एग्जांपल इसका है, एंटीलॉग 1 bar 0.2472। तो इसमें देखिए 1 बार लिखा हुआ है, निगेटिव हो गया ना करेक्टरिस्टिक, 1 बार है। तो हम क्या करेंगे, 0.2472 को एंटीलॉग टेबल में, लॉग टेबल में नहीं, एंटीलॉग टेबल में देखेंगे और वो वैल्यू हमें मिलेगी 1767। अब 1767 मिली, अब ये 1 है, कर रहे थे कि यहाँ 1 बार है, तो 1 बार में यानी आप जो डेसिमल लगाएंगे वो फर्स्ट डेसिमल के बाद पहली प्लेस पे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ये देखिए है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 3 बार वाली सिचुएशंस की। तो 3 बार वाली सिचुएशन में आप देखिए, हमें पहली सिग्निफिकेंट थर्ड प्लेस पे चाहिए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पे 1 आ गया। तो देखिए द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इट एट थर्ड प्लेस, इस तरह से एंटीलॉग में चीजें यूज करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे हम एक वैल्यू लेते हैं और एंटीलॉग टेबल में देखते हैं कि एंटीलॉग कैसे देखा जा सकता है। तो ये चलते हैं हम लोग एंटीलॉग टेबल में। ये आगे टेबल दी हुई है, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडर है। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट यहाँ से चालू होके ये 9 तक जाता है और सिमिलरली तीसरा पार्ट मीन डिफरेंस का यहाँ तक आता है। ये पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 और ये पार्ट नंबर 1। ध्यान रखिएगा ये हमारी एंटी लॉग टेबल है, लॉग टेबल ये नहीं है। तो इसमें जो पार्ट 1 में चीजें शुरू होती है वो पॉइंट्स में शुरू होती हैं। जैसे आपको जो चीजें देखनी है पेयरिंग नंबर्स में 0102 ऐसे लिखे हुए नंबर देखिए दिख रहे हैं इसमें आपको पॉइंट्स के बाद। तो अगर हमको किसी का एंटी लॉग देखना है, सपोज एंटी लॉग 1.1429 इसका एंटी लॉग हमको देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को भी भूल जाएंगे, पॉइंट के बाद यानी 14 का सेकंड पर, देखिए 14 वाला कहाँ है, ये पार्ट 1 में मिला 14, पार्ट 2 में मिलेगा सेकंड वाला। तो सेकंड वाला फिगर हमने देखा और सेकंड वाली फिगर कहाँ पहुंची हमारी, ये देखिए सेकंड वाली यहां पहुंची, ये तो दिस इज द सेकंड वैल्यू। और उसके बाद हम लोग 9 का मीन डिफरेंस देखेंगे थर्ड वाले पार्ट में, इसका कहां से निकालेंगे, पार्ट नंबर 3 से। तो पार्ट नंबर 3 में हम लोग आगे बढ़े, ये आ गए और 9 पे चलना है, तो 9 लास्ट वाला होता है, ये पहुंच गए हम लोग 3 पे। तो 3 इसमें जोड़ देंगे हम लोग, तो 1 4। अब देखिए ये 0.14 का हमने ये वैल्यू देखी जो कि 2 के नीचे थी और ये वैल्यू कितनी आती है 1387 और मीन डिफरेंस थर्ड पार्ट में मिलेगा। तो मीन डिफरेंस यहां से देखा विच इज कमिंग आउट दिस इज 3। इस 3 को इसमें ऐड कर दिया साहब, तो जब इसमें आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1390। 1390 वैल्यू बनी, यहाँ पे लिखा 1390। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 थी, तो 1 में हमें क्या करना है, 1 और जोड़ देना है, तो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 2 और यहाँ हमने इसको वैल्यू लगा दी और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एंटी लॉग। लॉग की कैलकुलेशन करने के लिए कुछ बेसिक लॉग के रूल हैं जो पता होने चाहिए, वैसे तो कई लोग को अंदाजा रहता है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। लॉग के 4-5 रूल हैं जो हमें पता होने ही चाहिए। पहला ले लेते हैं लॉग, एम इंटू है इंटू एन, ये वैल्यू हो जाएगी लॉग एम प्लस लॉग एन, जो भी बेस है बेस तीनों में सेम है। दूसरी बात हम लोग करें तो कोशेंट रूल इसे बोलते हैं और इसमें हम लोग लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। फिर तीसरा रूल ले सकते हैं हम लोग, तो इसे में पावर रूल की बात की जाती है, तो पावर रूल में क्या होगा, लॉग एम की पावर एन और ये एन बाहर आ जाएगा सामने लॉग के। और बेस चेंज का भी एक रूल होता है, जब पढ़ ही रहे हैं तो उसको भी नोट कर लेते हैं हम लोग।
तो बेस चेंज का रूल होता है, जो बेस आपको अगर बदलनी है लॉग बेस एम एम, और अगर बेस चेंज करके आप बी करना चाहते हैं तो लॉग बी करिए, पहले एम का लॉग लीजिए उसके बाद लॉग बेस बी करिए और ए का लॉग लीजिए। ये चार आपके जो रूल हैं ये लॉग के केस में आपको मालूम होने चाहिए, जिससे आप कैलकुलेशन फर्दर कर पाए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ लॉग के क्वेश्चंस पिकअप करेंगे और देखेंगे कि कैलकुलेशंस में वो कैसे यूज होता है और फाइनली कैसे यूज होता है। हमारी केमिस्ट्री, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, और भी कई जगह कैलकुलेशंस मिल सकते हैं, तो वहां पे हम लोग इसको कैसे यूज करने वाले हैं। तो एक छोटा सा सवाल हम लोग लेते हैं, ब्रीफ क्वेश्चन, और उससे पहले समझते हैं, फिर एक बड़ा सवाल ले लेंगे और आपकी समझ में पूरी तौर पे आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं हम लोग लेके, और क्वेश्चन हमारा हो जाता है, सपोज एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है 7632 इंटू 4.21 अपॉन 0.2381 इंटू 528.3। ये मान लीजिए ये कैलकुलेशन हमारा इसके सामने आ रहा है, तो हम फर्दर क्या करेंगे इस कैलकुलेशन में आगे बढ़ने के लिए। अब हमारे पास अगर लॉग टेबल नहीं है तो हम अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम देखेंगे कि हम लोग लॉग टेबल में आगे बढ़ेंगे लॉग की मदद से। अब कोशिश करते हैं कि x मान लेते हैं इस पूरी वैल्यू को जो लिखी हुई है, और मतलब यहीं पे कर लेते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं x मान लेते हैं और दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो जब लॉग ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी लॉग x बराबर लॉग 732 प्लस इनटू प्लस नहीं है 4.21 अपॉन 0.2381 इनटू 528.3। ये वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं हम लोग आगे। अभी हमने क्या किया कि दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये बन गया अपना लॉग x इज इक्वल टू लॉग 7632 इंटू 4.21 अपॉन 0.2381 इंटू 528.3। अब यहाँ लॉग के जो रूल थे ये देखिए, ये पूरा का पूरा a मान सकते हैं और इस पूरे नीचे वाले को b, तो ये a अपॉन b यानी कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ। इसको हम लिख सकते हैं लॉग 7632 इंटू 4.21 माइनस लॉग 0.2381 इंटू 528.3। ये वैल्यू यहाँ लिखी जा सकती। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जा सकता है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं लॉग 7632 प्लस इनटू है ना लॉग 4.21 माइनस फिर वहाँ प्रोडक्ट रूल लॉग 2381 माइनस लॉग 528.3। ये लॉग हमने डाली वैल्यू। अब लॉग डालने के बाद हम लोग लॉग टेबल से 7632 का लॉग हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात क्या है कि इसको लॉग ले रहे हैं, चार डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएंगी, चार से एक कम यानी थ्री, तो थ्री पॉइंट तो पहले ही हो गया। अब हम क्या करेंगे 76 का थ्री पर देखेंगे, ये देखिए 76 का थ्री पर देखेंगे पार्ट टू में, और पार्ट थ्री में टू का कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो ये चलते हैं हम लोग किसमें, लॉग टेबल में, ये देखिए लॉग टेबल में आ गए हम लोग, और यहां पर क्या करते हैं 76 जो कि यहां नहीं दिखेगा आपको, मैंने देख के लिख देता हूं, तो इसकी वैल्यू होगी 8826 प्लस। अब यहां पे आता है लॉग एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक जीरो हो गई। अब इसका क्या करेंगे 42 का वन पर देखेंगे, तो देखिए 42 का वन पे देख लेते हैं हम लोग, ये अपने को दिख जाएगा यहाँ पर, और ये देखिए
42 का, ये देखिए 42 का 1 पर 6232, 6232, तो ये 6232 ना होके 6243 हुआ, क्योंकि हमें 42 का 1 पर देखना था, तो ये वैल्यू लेनी होगी, और ये वैल्यू कितनी है, 6243। अब 6243 हम एग्जांपल में जो कर रहे थे, यहाँ पे आके वैल्यू लिख लेते हैं 6243, और इसी तरीके से लॉग की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक में ये जीरो है, तो करेक्टरिस्टिक की माइनस में आ जाएगी, और 0.3768, और फिर यहाँ पे चलेंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक मिलेगी 2, 3 डिजिट है एक कम, 0.7229। अब इस वैल्यू का कैलकुलेशन अगर हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ये वैल्यू तो सेम कॉपी हो जाएगी 0.6243, इस माइनस बार को हम माइनस अलग से लिखेंगे और फिर प्लस करेंगे इसमें 0.3678 माइनस 2.7229। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 2.4072। अब ये लॉग ये किसकी वैल्यू, लॉग एक्स की, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू होगी एंटी लॉग 2.4072। ये हम लोग पहुंचे कहाँ, एंटी लॉग के ऊपर। अब एंटी लॉग देखने का तरीका आपको याद होगा कि हम लोग डेसिमल के बाद वाले को एंटी लॉग टेबल में देखते थे, और करेक्टरिस्टिक एक से बड़ी है, दो है, पॉजिटिव है, तो तीन एक जोड़ देंगे, तीन के बाद डेसिमल लगेगा। तो एंटी लॉग टेबल में हमें जाके देखना पड़ेगा ये 0.40 का 7 पर और 2 पे मीन डिफरेंस ऐड करेंगे हम लोग, तो ये एंटी लॉग टेबल में हम लोग आ गए। और हमें देखना क्या है, हमें देखना है 0.40, ये देखिए 0.40 मतलब ये, और इसका देखना है हमें 7 पे, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये 9 ये है, तो ये 8 7, तो 2553, ये यहाँ पे नोट कर लिया हमने 2553, और 2 का मीन डिफरेंस, तो 2 का मीन डिफरेंस यहाँ पर ये देखिए कितना आ रहा है, 2 का मीन डिफरेंस, 2 का मीन डिफरेंस आएगा 1 आएगा, तो 1 अगर हम लेने तो मीन डिफरेंस 1 आया, जो कि इसमें उन्होंने ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू बनी 2554। अब इस वैल्यू को एग्जांपल जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें लिखे आए, और यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी, 2554। अब यहाँ 2 थी वैल्यू, तो 2 में हम लोग क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं एंटी लॉग में, और डेसिमल वहाँ प्लेस करते हैं, यानी 1 2 3, 3 के बाद यहाँ डेसिमल आ गया, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। किसका आंसर है ये, ये बेसिकली इतनी बड़ी कैलकुलेशन का, ये जो हमारी इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी इसकी वैल्यू निकाल रहे थे, ये इस वाली वैल्यू का पूरा फाइनल आंसर है, ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस वैल्यू। तो इस तरीके से अगर लॉग की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू विल गेट द फास्टेस्ट आंसर, ये आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये है x इज इक्वल टू, और होल ब्रैकेट में देखिए 8280 होल अपॉन 11.35 इंटू 6.02, और इसका होल का पावर लगा 1/3। अब इसको अगर सिंपल व्हील में कैलकुलेट करने हम जाएंगे तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, शायद कर ही ना पाएं, तो लॉग की मदद से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, और 12th की केमिस्ट्री में या ऐसे कैलकुलेशंस बहुत सिंपली हमारे सामने आते रहते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग एक्स इज इक्वल टू पावर, ही देखिए पावर 1/3 ऊपर थी, जो 1/3 आगे चली गई, रूल है जो लॉग का, और अंदर भी लॉग का रूल ही हमने अप्लाई कर दिया। अब आगे चलते हैं, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 1/3 लॉग में देखिए 4 डिजिट हैं, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगी वो 3 होगी, और हम लोग 82 का पार्ट 1 में देखेंगे, 88 का पार्ट 2 में देखेंगे, और इसका हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे मीन डिफरेंस। 0 है मीन डिफरेंस, तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो
T2 का 8 पे देखेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.9180, तो 9180 ये तो वैल्यू बनी इसकी। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 11.35 लिखा है तो दो डिजिट्स हैं, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा एक नंबर, एक घटा देते हैं उसको, और 11 का 3 पर देखेंगे और 5 का मीन डिफरेंस ऐड कर देंगे उसको, तो ये वैल्यू बनने वाली है हमारे पास 0549। फिर देखिए आगे चलते हैं, इसमें हमारे पास डिजिट्स कितनी हैं डेसिमल से पहले, तो डिजिट्स हमारे पास डेसिमल के पहले एक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो जीरो हो जाएगा। तो 0.60 का 2 पे देखेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 7796, ये इसकी वैल्यू बनी। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जोड़ना घटाना है एडिशन सबसेक्शन सिंपली, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.0835, और अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें 3 से, व्हाट विल गेट 0.6945 डेसिमल के साथ, तो ये वैल्यू हमारी बनती है अभी, लेकिन हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, तो एक्स क्या बनने वाला है, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6945, इसका एंटी लॉग हमको देखना होगा। तो अब एंटी लॉग टेबल में एंटी लॉग जाके हम देखेंगे और ये वैल्यू हमारी कितनी बनने वाली है, ये वैल्यू बनने वाली है 4.949। एंटी लॉग में आप देखेंगे तो 0.69 का 4 पर देखेंगे और 5 का मीन डिफरेंस पार्ट 3 से उसमें ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से आप, और ऊपर से 0 है तो आप क्या करेंगे उसमें एक के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ बनने वाली है, तो ये आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगी आंसर, जो आप डिफरेंट कैलकुलेशन में आसानी से यूज कर सकते हैं।